झारखंड में हेमंत सरकार में क्या माफिया राज कायम हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वहां अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है वो आने वाले वक्त में सरकार के लिए और राज्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। फिलहाल देखिए कि कैसे पौश इलाके में कैसे किसी व्यक्ति को खुले आसमान में किडनैप कर लिया जाता है। ऑपरेटिव कॉलोनी के प्लॉट नंबर 212 से किराए पर रहने वाले एक कंपनी के मैनेजर को उठा लिया, लेकिन उससे पहले सभी ने साथ में मारपीट की। तो क्या झारखंड में आने वाले वक्त में झारखंड में आप सुरक्षित नहीं हैं? एक कंपनी के मैनेजर को ऐसे किडनैप करने का क्या मतलब हो सकता है? मतलब चाहे जो हो, लेकिन एक बात साफ है कि आप अपने घर या ऑफिस में सुरक्षित नहीं हैं। अभी तक तो सरकार फेल थी, लेकिन अब जो हुआ वो सुनिए। इसलिए सुनिए क्योंकि यहाँ पुलिस वालों की तारीफ बनती है। पुलिस की समझ ने न सिर्फ एक व्यक्ति की जान बचा ली, बल्कि एक बड़े लेवल का किडनैपिंग केस भी सॉल्व कर लिया। पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद चारों तरफ से पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। फिर अपराधियों का दम टूटने लगा और फिर दोनों तरफ से प्लानिंग होने लगी। पुलिस के जाल में बदमाश पूरी तरह से फंस गए थे और फिर उन्होंने बोकारो पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। मैनेजर को अकेला चलकर आता देख पुलिस की सांसों में सांस आई। एक व्यक्ति जो साइट मैनेजर के तौर पे काम करते थे, उनको अपहरण की बात अभी कहना कंफर्म नहीं है। कुछ लोग इनको ले गए थे, इनके साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। 3-4 लोग आए थे, उसमें दो लोग की पहचान ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग उसको ट्रेस कर रहे हैं और जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पुलिस इसमें काफ़ी एक्टिवली लग गई, चाहे जितने भी SOP हैं, इसीलिए एक प्रेशर बना और ये टाइमली अभी लौटे हैं। बाकी जो लोग थे उसमें शामिल 2-3 लोग की पहचान हो गई है। हम लोग, मुझे लगता है 2-3 घंटे में हम लोग बाकी लोगों को भी गिरफ्तार उसमें कर लेंगे। नहीं, पैसे की कोई डिमांड की बात नहीं आई। उनके साथ मारपीट भी की गई है सर? लड़ाई झगड़ा हुआ है, ऐसा कोई मैंने कोई वेपन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था जो बता रहे। कोलकाता की कंपनी SRG प्राइवेट कंपनी ने बोकारो इस्पात में कॉक ओवन में 12 करोड़ का ठेका शुरू किया। कंपनी के बोकारो साइट के इंचार्ज सुमन गोहा को अपराधियों ने पैसा लेने के लिए उठाया था, लेकिन बोकारो के कप्तान और पुलिस की समझ ने एक बड़े केस को सॉल्व कर दिया। जय सिन्हा, बोकारो, ग्लोबल भारत, झारखंड।